हाँ, मैं वो थोड़ा 11,000 वोल्ट लेके चलता हूँ ना। आज के समारोह के बारे में कुछ बताएं आप। मुंबई में नवभारत टाइम्स का ये 68वां साल गिरा है, तो एक हिंदी अखबार का आयोजन है, हम हिंदी सिनेमा से जुड़े लोग हैं, मैं इसीलिए बॉलीवुड शब्द इस्तेमाल नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है हिंदी सिनेमा, तो उसमें हम भी कोई बात नहीं हिस्सा लेने आए हैं। हिंदी से संबंधित कोई कार्यक्रम है, एक हिंदी अखबार का आयोजन है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी और पेशेवर अभिनेता हैं हिंदी सिनेमा के, तो लगा कि दायित्व बनता है हमें आना चाहिए। कुछ छिपकी भी होगी आपकी आवाज़ की, आपके साहित्य की जो आपने पढ़ा है? हाँ, मैं शायद एक आध कविता पढ़ूंगा, छोटी छोटी कविताएँ हैं जी, छोटी कविताएँ हैं वो पढ़ूंगा मैं। केदारनाथ सिंह एक कवि हैं हिंदी के, वो पढ़ूँ, हो सकता है नागार्जुन की भी एक छोटी कविता पढ़ूँ। अरे ज़रूर बोल पाऊँगा, केदारनाथ जी की कविता है कि मैं लिखा, मुझे याद है, छोटी है बट फिर भी मैं देख लेता हूँ। मैं जा रही हूँ उसने कहा, मैं जा रही हूँ उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खतरनाक क्रिया है। तो ऐसे तो कवि थे केदारनाथ जी, कि मैं जा रही हूँ उसने कहा, मैंने कहा, मैंने उत्तर दिया, जाओ ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खतरनाक क्रिया है। यही है, थैंक यू। नहीं सर, एक और चीज़, हाँ, फिल्मों में बहुत अच्छा आपका एक के बाद हम देख रहे हैं, अब और कहाँ आप अपना जल्दी दिखाएंगे फिल्मों में? आई थिंक स्त्री आएगी अगले महीने, अगले महीने के अंत में आएगी स्त्री शायद, 31 अगस्त या क्या डेट मुझे याद नहीं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कुछ वेब सीरीज आएंगे और भी आएंगी, बहुत सारी फिल्में तय हैं, डेट्स मुझे किसी का पता नहीं है कब कौन आएगी। आप भी ऐसे भी नहीं था, 10-10 फिल्में आती हैं एक साल, लेकिन अब प्रयास करूंगा कि 10 नहीं आए, 4 ही आए लेकिन अच्छी आए। और सर आपका एड भी आ गया अब तो, हाँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये आपकी मन की भावना है जो आप मतलब पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में भी जिन चीज़ पर विश्वास रखते हैं उसी का जुड़ते हुए आपने एड भी किया। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं उस ब्रांड से जुड़ूं जिस ब्रांड से मैं भी कन्विंस रहूं या मुझे लगे कि ये ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी मुद्दा है, कि सामान बेचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मैं वही सामान बेचने में इच्छुक हूं जो सामान मैं खुद खरीद सकता हूं। श्रीमती जी भी काफ़ी प्रसन्न हुई होंगी आपकी ये देख के? हाँ, वो तो ऐसे ही मेरा शक्ल देख के प्रसन्न हो जाती हैं। ऐड क्या देखेंगे, थैंक यू, शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं दोस्त, पेपर तो होने चाहिए कलाकार के हाथ में। बहुत बड़े ही बात कह दी सर, मेरी बात कह दी आपने, हम पढ़ाई से दूर रहे हैं, किताबें नहीं होती हैं। मैं शूटिंग से ही आया हूं। मैं थोड़ा आगे, मैं थोड़ा आगे, मैं लाइट आ रही है, शर्ट को भेजो, टाइम आ गया, हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल, गुड इवनिंग, congratulations for the award, thank you so much. Can you brief us what the all award ये जो अवार्ड है नव भारत टाइम्स ने, मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी उनका, क्योंकि राजी के लिए मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। आई थिंक जब आपको एक ऐसी फिल्म के लिए अवार्ड मिलती है जो लोग इनिशियली समझते हैं कि ये थोड़ी सी रिस्की ऑफ बीट फिल्म है, देन यू फील वेरी नाइस बिकॉज दैट मीन्स कि लोगों को पसंद आई है और आगे जाके हम ऐसे और भी फिल्में कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इस अवार्ड की शुरुआत से हमने कल पूरे साल भर आपको अवार्ड मिलेंगे, आप जितनी पावरफुल परफॉर्मेंस और बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा कलेक्शन है। थैंक यू सो मच, नहीं बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह का प्यार फिल्म को मिला है और जिस तरह की अप्रिसिएशन यू नो कहानी को मिली है, नथिंग बीट्स दैट। और क्योंकि ये एक ट्रू स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल थे हम रिलीज को लेकर, नाउ दैट इट्स बीन फुली एक्सेप्टेड एंड लव्ड, आई फील वेरी रिलीव्ड। अभी थोड़ी खराब है जी, हाँ थोड़ी खराब। लास्ट क्वेश्चन,
आगे 2018 ब्लॉकबस्टर होने वाली जो पिक्चर संजू है रिलीज हो चुकी है, काफी लोगों को पसंद, आपने देखी पर्सनली? हाँ जी जी, मैंने देखी, बहुत ही अच्छी लगी. इट इज अ फैंटास्टिक फैबुलस आउटस्टैंडिंग फिल्म. यू नो इट इज आई थिंक फॉर इन माई टॉप 10 फिल्म्स में संजू इज हाई अप देयर. सारे परफॉर्मेंसेज, रणबीर इज आउटस्टैंडिंग, विकी कौशल इज आउटस्टैंडिंग, परेश जी इज ऑल्सो अनबिलीवेबल. आई थिंक यू नो एवरीवन, सोना, अनुष्का, एक फुल पैकेज है. मैं राजू हिरानी की बहुत बड़ी फैन हूँ, सो व्हेनेवर हिज फिल्म्स कम आउट आई जस्ट वेट, एंड एवरी टाइम ही मैनेजेस टू जस्ट हिट इट आउट ऑफ द पार्क. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दैट वी हैव राइट नाउ इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स. Thank you. Shooting for Brahmastra. Yeah, not now. Kalank. Shooting for Kalank. Pehle idhar send. Kya bhai, camera. Kal aaoge aap? Kahan? Anti lag. Mam wait. Aaiye ji. Okay. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है ये फंक्शन का आके NBD उत्सव में. अक्टूबर के लिए मुझे एक पुरस्कार मिला है और बहुत अच्छा लगता है ये पुरस्कार मिलकर. अक्टूबर बहुत ही मायने रखता है मेरी ज़िंदगी में. ये फिल्म ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था और उसके लिए पहली बार मुझे एक अवार्ड मिल रहा है और इसका पूरा श्रेय सुजीत सरकार और जूही चक्रवर्ती. बहुत इंकरेजिंग है जब अक्टूबर जैसे फिल्मों को अवार्ड मिलता है. बहुत इंकरेजिंग है जब ऐसी फिल्मों को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट्स वेरी नाइस कि कला को जगह मिलती है. थैंक यू. बाय वरुण जी. किस तरफ से जाना है, यहाँ बाहर जाना है? हाँ जी, बताइए. थैंक यू. नहीं, अच्छी बात है जब हमें ये पुरस्कार मिलते हैं, बहुत ही हमें इनकरेज करते हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नवभारत टाइम्स. NBT उत्सव आज ने मुझे ये सम्मान दिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा. मैं बहुत ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया फिल्म को. मुझे लग रहा है ब्लॉक बस्टर फिल्म है संजू. रणबीर कपूर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है. बॉक्स ऑफिस पे और इन जनरल बहुत प्यार मिलने वाला है. बहुत ही इमोशनल कहानी है और संजय दत्त की ये जो कहानी, मैं चाहता हूँ कि देश भर में जो भी है वो सब जाके देखें. मुझे लग रहा है ये बहुत ही बड़ी बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने वाली है. मैं फिर से जाऊँगा देखने और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों एक बार देखें और बार बार जाके देखें. बहुत कमाल की पिक्चर. साथ में बैठ. अच्छा. क्यों नहीं आ पाएगी? अलग अलग एजेंडाओं पे बातें करेंगे हम. 2 घंटे की बाइट देते हैं हम. सच में अब हाँ. मैं भी पूछता हूँ भूमि से. शुरुआत करिए. ये तो एंटरटेनर है ही. जी 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 जी. भूमि, 2.5 साल हो गए आप. मैं बतौर फैन जाना चाहूँगा, आप इतने सिलेक्टिव क्यों अपनी फिल्मों को लेके? अगला क्या आ रहा है जी? मेरी अगली लास्ट स्टोरी में आपने उम्दा काम किया. हम हक्के बक्के रह गए, बहुत चक्के रह गए जी. आपने भी हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है पिछले कुछ साल. मैं तो फ्री में करता हूँ. जी मुझे अवार्ड मिला द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट के लिए. एंड अगेन थैंक यू सो मच NBT. बहुत मोटिवेटिंग होता है एक एक्टर के लिए जब आपके काम को प्यार दिया जाता है. 2.5 साल हुए हैं, 3 फिल्में की है, एक छोटा सा वेबकास्टिंग भी किया है, एंड सभी को बहुत ज़्यादा प्यार मिला. सो थैंक यू सो मच स्पेशली टू द ऑडियंस. अब आपको फैशन स्टाइल के भी आपको मिलना चाहिए अवार्ड. लाइक अपार्ट फ्रॉम योर एक्टिंग स्किल्स, यू हैव ग्रोन एंड थैंक यू योरसेल्फ टू अनदर लेवल नाउ. आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर टू इवॉल्व विद टाइम. और मेरे साथ भी वही हुआ. जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने आप उम्र में बढ़ते हैं, मच्योर होते हैं, वैसी काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती है. सो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस दैट आई एम फॉलोइंग.
और जैसे अर्जुन ने कहा था अभी मैं बताया वेब सीरीज में भी आपकी काफी प्रशंसा हो रही है काफी मतलब किस 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 क्या प्रेरणा थी आपकी जो आपने ये रोल की तरफ बढ़ी आप जी मेरे लिए मैं जोया की बहुत ही बड़ी फैन रह चुकी हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो मेन रीज़न तो वही था कि मुझे जोया के साथ काम करना था 20 मिनट की छोटी सी फिल्म थी और बतौर एक्टर मुझे मज़ा आया वो स्क्रिप्ट पढ़ के तो लगा कि एक चैलेंज है और मैं हमेशा चैलेंजेस ढूंढती हूँ अर्जुन पूछे थे इतनी कम फिल्में क्यों करती हूँ क्योंकि उतने ही कम चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं तो जब चैलेंज आएगा तब आपका देश में तो रहती है ना आप बाहर रहती है एयरपोर्ट में दिख जाती है एक दो बार बाकी तो वो आपने एक सुशांत के साथ भी जी 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 सोन चिड़िया वो खत्म हो गई है चौबे है उनकी डायरेक्टर एंड अभिषेक चौबे सो इज हैज डायरेक्टेड एज डायरेक्टेड सोन चिड़िया जी 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 मेरे दोस्त भी हैं यशराज टैलेंट होने के अलावा पर हाँ Sorry, yes. मुझे भी देख लेने तो कभी है। तुम्हें बड़ा कैमरा लुक पड़ा है। या? अच्छा अच्छा बोलिए नहीं सुमित जी थोड़ा तो रुकना पड़ेगा मैं बताऊंगी बहुत ही जल्द बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होंगी लेकिन मैं कभी अपनी फिल्मों के बारे में अनाउंसमेंट के पहले बात नहीं करती तो जल्द आई वुड लव फॉर हर टू बी इन फिल्म्स बिकॉज आई थिंक शी इज़ एक्सट्रीमली प्रिटी हम सब बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है एक दूसरे से हमारे परिवार में बट शी इज़ अ लॉयर एंड अ वेरी ब्राइट वन सो इफ एनी बडी इज लुकिंग फॉर टू हायर वन यू कैन गो टू हर संजू रिलीज टुडे यस आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म आई मीन सबकी बहुत ही ज़्यादा होप्स है फिल्म से और जो मैंने सुना है बहुत ही बढ़िया फिल्म है बहुत ही उमदा फिल्म है एंड आई कांट वेट टू वॉच इट आई एम अ बिग फैन ऑफ एवरीबॉडी इन्वॉल्व इन द फिल्म एक बात तो माननी पड़ेगी अर्जुन इज अ फैंटास्टिक पर्सन मतलब कितने मतलब पूरी इंडस्ट्री के लिए पूरा सोचते हैं मतलब सिर्फ एक इंसान के लिए अपने लिए होने के सोचते हैं मतलब कितने पेशेंट हमेशा हमने देखा है कि वो दूसरों के लिए त्याग कर देते हैं अपना जी तो ये सवाल है आप स्टेटमेंट पूछ रहे कंफ्यूज हूं मैं इसमें क्या जी ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट मोस्ट कल्चर्ड स्वीट पीपल आई हैव मेट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता नहीं I wouldn't mind being center of attention. But he is because he's so entertaining and he's just so witty and I think now he should take center stage. आप जाइए गाड़ी की तरफ. Thank you, Bhumi. आप हिंदुस्तान के सोन चढ़ाइए आओ. चलिए जल्दी से. Oh, visual. थोड़ा smile. Oh, selfie. बताइए सुमित जी एक मैं ही हूँ जो आपके लिए बेकर आ रहे इंतजार कर रहे पूछिए क्या पूछना चाहेंगे आखिर तक मैं ही रुका हूँ नहीं यार वो क्या बोलते हैं कलाकार होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी है भूमि तो वेट करना फर्ज बनता है पूछिए बधाई आपको इस अवार्ड के लिए थैंक यू कुछ प्रकाश डालें क्या अवार्ड था और क्या कहना चाहेंगे मुझे एंटरटेनर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है इस बार और खुश हूँ जैसे मैं स्टेज पे कह रहा था रिवॉर्ड तो बहुत मिलता है अवार्ड कई बार कम मिलते हैं तो जब अवार्ड मिलता है तो लोगों को शुक्रिया अदा कहने का मौका मिलता है अवार्ड्स मायने मेरे लिए ज़्यादा इसीलिए रख पाते हैं नहीं नहीं ले लो फोटो यार बाद में बाद पूरे रात खड़े रहेंगे बात करने के लिए क्यों टेंशन ले रहे अरे टाइम पास करो चलो कितना डरते हो तो मुझे इस बार एंटरटेनर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है बतौर एक्टर जब एंटरटेनर बुलाया जाता है तो अच्छा लगता है बिकॉज यानी कि आपकी कला हर जगह फैल रही है हर तरीके से आप लोगों को खुश कर रहे हो ना कि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी होस्ट करते हुए इवेंट्स करते हुए हर तरीके से एक एंटरटेनर को आज के ज़माने पे सोशल मीडिया पे लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है सो यू फील हैप्पी दैट यू आर कनेक्टिंग विद पीपल एंड पीपल आर अवॉर्डिंग यू फॉर कीपिंग दम स्माइलिंग आज के ज़माने में जब अपनी निजी ज़िंदगी को भूल के दो पल के लिए अगर मैं लोगों को खुश कर सकूँ उनको एंटरटेन कर सकूँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे एंटरटेनर बुलाया जाता है आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई कंसीडर एज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट काफी मेमोरेबल बर्थडे सेलिब्रेशन रहा है आपका इस बार और आपकी दादी ने गिफ्ट की जगह एक सवाल दे दिया हाँ दादी ने क्या परेड कर दी और इतने स्वीटली लिखा कि मुझसे रहा नहीं गया मैंने कहा कि ये तो फर्ज बनता है मेरा कि मैं डालूँ तो उन्होंने जो सवाल पूछा मेरी पूरी फैमिली काफ़ी दिनों से पूछना चाह रही थी उनके जरिए अब
باہر آ چکا ہے, آپ سب بھی کافی بار پوچھ چکے ہو, اس کا جب جواب ہوگا میرے پاس میں نسنکوچ آپ سب کے سامنے رکھ دوں گا, بیکاز آئی تھنک وہ بہت ضروری پل ہوگا میری زندگی کا, اینڈ آئی ووڈ شیئر اٹ ود آل آف یو آل الانگ ود مائی فیملی, بٹ اس سمے وہ سمے نہیں ہے. آئی تھنک ابھی حال ہی میں دو گھر بسے ہماری ہمارے خاندان میں, میری بہن بھی ہے انشولا, ابھی میں جاتا ہوں, ریا ہے, جان بھی خوشی ہے, تو بہت ٹائم ہے, میں جب میرا صحیح سمے ہوگا ضرور آئی بلیو ان دا انسٹیٹیوشن آف میرج, اور میں آپ کو اطلاع ضرور کر دوں گا, آپ سب کو کر دوں گا, فکر مجھے نہیں, نہیں میں مجھے جیسے ہی پتہ لگے گا آپ کو پرسنلی فون کروں گا, سن لیجیے, آپ فکر مت کیجیے, میں دیکھیے یہ چیز میں چھپانا نہیں پسند کروں گا, بیکاز اس بار جیسے سونم کی شادی ہوئی تھی تو آئی تھنک آپ سب فیملی کی طرح ہمارے سیلیبریشن میں موجود تھے, اور میں چاہوں گا کہ ویسے ہی سلسلہ چل کر, جی دھڑک اچھا لوگ پسند کر رہے ہیں, جی ایوری ون از لونگ جانوی آلسو, ہر بیہیویئر, دی وے شی از ٹریٹنگ ایوری ون, دیٹ از دیٹ کمز ریئلی ایز اے پلیزنٹ جیسچر فرام ہر سائیڈ. یار آئی تھنک جانوی ایشان دونوں کو اتنا پیار مل رہا ہے لوگوں سے, ریئیکشن اچھا ہے ٹریلر کا, اس کا کہیں نہ کہیں فلم کا ایک ٹیکسچر ہے جو لوگ پسند کر رہے ہیں, اس کا شریا کرن اور ششانک کو جانا چاہیے پہلی بات تو, دے آر ٹو ویل براٹ اپ کڈس, آپ دیکھ سکتے ہیں, تو وین یو آر ویل براٹ اپ, جس طرح آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں پبلکلی جب آپ پہلی بار جاتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں چھوی آپ کو آپ کے اپ برنگنگ کی دکھائی دیتی ہے لوگوں کو, سو not only Janvi, I feel Ishan is also somebody who is very well behaved, he's been around for the last 6-8 months aap sab ke sath, bahut energetic ladka hai, bahut talented lagta hai, of course Janvi ki main bahut baat kar chuka hu, bas itna kahunga ki jis tarah logon ne use saraya hai, I hope trailer ke baad jo pyar mila hai wo film ke baad usse dugna tigna mile, because eventually main manta hu industry ko actors ki zarurat hai, she looks like somebody who is very passionate, jo maine baatein ki hain usse hali mein aisa lagta hai ki wo تہے دل سے لوگوں کا منورنجن کرنا چاہتی ہے, اچھا کام کرنا چاہتی ہے, تو اگر اس کو پیار ملے گا تو وہ اچھا کام کرتے جائے گی اور آپ سب کا انٹرٹینمنٹ کرتی جائے گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ شی آؤٹ ڈز دا ایکسپیکٹیشنز دیٹ آر بیسٹوڈ اپون ہر آن دا ان دھڑک. میں نہیں دیکھ پایا یار, آئیفا میں تھے, پھر اس کے بعد جنم دن تھا میرا, آج یہ ایونٹ تھا تو دیکھ نہیں پایا ہوں, رنویر سے ملا تھا کچھ دن پہلے جب ہم آئیفا پہ تھے, تو آئی ایم ویری ہیپی آئی تھنک ود دی اوپننگ دا ویٹ از ٹوڈے, جس طرح فلم کو پیار مل رہا ہے, ٹریلر کا ریئیکشن جو تھا آج, اوپننگ کا ریئیکشن, تو آئی تھنک انڈسٹری میں جو فیڈ بیک آیا ہے, ریویوز آئے ہیں, آئی تھنک دا فلم از ہیڈنگ ٹوورڈز ڈوئنگ میگنیفیسنٹ بزنس, اٹ ول بی اے میموریبل پرفارمنس فار رنویر اینڈ اے مائل اسٹون ان ہز کریئر, وکیز کریئر, راجو سر آف کورس از فینٹاسٹک اسٹوری ٹیلر, اینڈ آئی تھنک جس طرح کا سال رہا ہے, فلمیں کھری نہیں کھری اتری ہیں اور اس سے زیادہ بخوبی نبھا پائی ہیں, تو آئی تھنک Sanju will continue that trend and that's very good for the film industry. Best actress award in IFA for Shri Devi also award and جی 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 کافی ایموشنل بھی ہو گئی obviously I mean that goes without saying, I think it would be silly to assume that he wouldn't be emotional, so I think that's that goes without saying. چلیے آخری سوال پوچھیے, آپ جانے تو دیں گے نہیں, آپ نے سب کو روک دیا, ایسے پوچھیے. ارجن آنے والے سال سے اپیکشائیں آپ کی؟ اب آنے والا سال میرے لیے نمستے انگلینڈ آنے والی ہے, اکتوبر میں دسہرا میں لگ رہی ہے پرینیتی کے ساتھ, اس کے بعد دیباکر سر کی فلم آ رہی ہے سندیپ اور پنکی فرار, پھر انڈیاز موسٹ وانٹیڈ آنے والی ہے, پھر پانی پت آنے والی ہے, تو اس بار چار چار لگاتار آنے والی ہے میری فلمیں, امید کرتا ہوں کہ جتنا مجھے پیار پچھلے 7 سال میں ملا ہے اتنی یہ چار فلموں کو اس سے دگنا تگنا ملے, تو اٹس این ایکسائٹنگ ایئر فار می, دو فلمیں ختم کر چکا ہوں, ابھی انڈیاز موسٹ وانٹیڈ اگست میں شروع کروں گا جو راج کمار گپتا کی فلم ہے, سو اچھا سال ہے میرے لیے, آئی تھنک فنگرس کراسڈ, الگ الگ فلمیں کر رہا ہوں اور آپ سب سے ملتا رہوں گا اور سال بھر باتیں کریں گے تو دیکھیں گے سال کیسا گزرتا ہے. تھینک یو. کہاں آپ کے کھارے پہ؟ ہاں ہاں آ جائیں گے. ٹھیک ہے.